नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा सुक्कू सरकार के 9 माह के शासन पे बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है और इन्हीं सवालों को उठाते हुए 25 सितंबर को विधानसभा का बड़े पैमाने पे घेराव किया जाएगा और जहां 10 गारंटियों का हिसाब मांगा जाएगा, वहीं प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महंगाई, रोजगार, संस्थान बंद करने के मुद्दों के साथ भाजपा हल्ला बोलने जा रही है। और इस घेराव को विस्तृत रूप, बड़ा रूप देने के लिए इन दिनों सभी मंडलों में बैठकें हो रही हैं। सुक्कू सरकार के 9 माह में क्या हुआ और भाजपा का आरोप है कि ये महाठग सरकार है, ये झूठ बोल के सत्ता में आई और अब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये आपदा का सहारा ले रही है, कभी कभी किन्हीं और चीजों का ले रही है और पुरानी बातों को ये बार बार दोहरा रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के राज्य प्रवक्ता विक्रम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर राजेश चन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विक्रम जी के पास जाऊंगा। विक्रम जी, घेराव की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई अचानक? क्योंकि किसी भी सरकार का मतलब इतना बड़े पैमाने पे जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, रोज हम मीडिया में भी देख रहे हैं, प्रेस नोट आ रहे हैं कि डीजल महंगा कर दिया, बिजली की औद्योगिक दरों में बढ़ोतरी कर दी, संस्थान बंद कर दिए, कानून व्यवस्था चरमराई है, वहीं गारंटियों को लेके जब से राखी का त्योहार आया है महिलाओं के साथ पूरी भाजपा हल्ला बोल रही है कि 1500 रुपया कांग्रेस सरकार कब देगी। तो और क्या मुद्दे होंगे इस घेराव के इनके अलावा? जी राजेश जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारे प्रदेश की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, वैसे तो पूरी जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। विशेषकर अगर महिलाओं की बात करें, कांग्रेस का सत्ता में आने के लिए जो 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, ये किसी भी मोर्चे, किसी भी क्षेत्र में ये सरकार, जैसा कि जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी अपने वादे पे ये खरा नहीं उतर पाई है। 10 गारंटियों की अगर महिलाएं अभी तक 1500 रुपए का इंतजार कर रही है, बिचारी हमारे दूर दराज के क्षेत्रों की, कहीं तो अनपढ़ महिलाएं आप कह लीजिए, जिनके जो इनका सत्ता में आने का मुख्य आधार रही, 1500 रुपए का इन्होंने ऐसा ऐसा एक भ्रम फैलाया जिसकी वजह से सारी महिलाओं ने, अधिकतर इनको महिलाओं की ही वोट मिली है जिससे जो है ये सत्ता में आए हैं। मगर ये हर किसी भी क्षेत्र की हम बात करें तो ये कहीं पे भी सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे कि आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, प्रदेश गुंडागर्दी का अड्डा बन गया है इस सरकार में, इसलिए हमारे को घेराव की आवश्यकता पड़ रही है। अभी 4 दिन पहले पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को ठेका देने के लिए उसके मुंह पे पानी पानी फेंका जा रहा है, कहीं पे गोली कांड हो रहे हैं, कहीं पे बहनों के मुंह काला करके बाल काट के उनको घुमाया जा रहा है, कहीं पे उनकी FIR नहीं, सुनवाई कोई नहीं हो रही है, दोहरे हत्याकांड हो रहे हैं, हमारे अपने सिरमौर में गोली कांड हो रहे हैं रोज रोज। किसी भी एक एक हम अगर कह सकते हैं कि एक मोर्चा तो हो, एक क्षेत्र तो हो जहां पे ये सरकार सफल रही हो। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ इनको सत्ता में लाने के लिए बड़े प्रयत्न करे, बड़े आम लोग हैं, हिमाचल की भोली भाली जनता है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से उसको ठग लिया है। संस्थान बंद करने की बात करें तो सरकार ने लोगों, पिछली हमारी भाजपा सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो संस्थान खोले, एक 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 करके इन्होंने 1000 से ऊपर संस्थान बंद कर दिए हैं। आपसी इनकी कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कभी रानी जो है दिल्ली पहुंच रही है, वो हमारे बंदों को एडजस्ट कर दीजिए, कभी जो है कुलदीप राठौर दिल्ली पहुंच रहे हैं कि हमारे बंदों को, मतलब अगर इस सरकार की हम बात करें तो पूरी तरह से आपसी मामलों में भी ये विफल है, जनता को तो जनता को ये ठग के आए हैं, और पूरी तरह से हर हम किसी भी एक भी मोर्चा, अगर ये अभी अगर हम इनसे सवाल है कि अगर एक भी मोर्चा ऐसा हो जिसपे इन्होंने कुछ भी कर पाए हो, कुछ भी, एक भी आपदा की बात करें तो उसमें ये कुछ नहीं कर पाए हैं, बस झूठे वादे करके आए हैं और वही बस टालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बात करें तो 4वें साल पूरे करने की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने पहली पहली कैबिनेट पहली कैबिनेट हम शुरू से यही सुनते आए, इनका चुनावी मुद्दा यह था कि पहली कैबिनेट में इस चीज को हम कर देंगे। ओपीएस का तो ओपीएस का कुछ पता ही नहीं है, हर तरह से किसी भी तरह से बात करिए, जो पहली कैबिनेट में बात हुई है, अरे भैया अब तो कई कैबिनेट निकल चुकी है, लेकिन क्या इसका कारण है? दैट इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि इनका कुछ करने की मंशा ही नहीं है,
इनको बस प्रदेश की सरकार को, भोले भाले हिमाचल के लोगों को ठग के सत्ता में आना था, वो इनका कार्य पूरा हो गया है। और अब इनकी आपसी कलह, आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महिलाएं दिन रात हमारे पास आ रहे हैं, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। महिलाएं बेचारी कह रही हैं कि हमें 1500 रुपए इंतजार ही कर रही हैं वो। अब तक ऐसा कहा गया कि एक महिला है तो 1500 रुपए, दो महिलाएं हैं तो 3000 रुपए, तीन महिलाएं हैं तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने प्रकार की भ्रांतियां, जो भी अभी पूरी तरह से हमें तो मालूम भी नहीं है, लोगों के साथ इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके ये सत्ता में आए हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए ये, इसी वजह से धीरे धीरे। और ये गुंडागर्दी तो हिमाचल में हम बिल्कुल किसी कतई एक भी हम किसी भी उस पर हम इसको स्वीकारे नहीं है। हिमाचल बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ इस तरह की गुंडागर्दी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और हम सत्ता को, अभी तो ये एक प्रदर्शन है, अगर अगर सरकार ने अपना रवैये को नहीं बदला, अपने जो रवैये को हमारी महिलाओं को या प्रदेश के लोगों को जो सुविधाएं हमने दी थी उन्हें फिर से मुहैया नहीं कराया, या अपनी इस गुंडागर्दी की हरकतों को, अपने इस व्यवहार को नहीं बदला, तो भारतीय जनता पार्टी उग्र से उग्र उसमें हम संज्ञान लेंगे और उग्र से उग्र ये जो है आंदोलन के रूप में हम इसको चलाएंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, एक अभी ऐसा समय आ गया है कि जो अपने लोग जो जिन्होंने इनको भी वोट दे के चले हैं वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ने जा रहे हैं। आप देखिएगा 25 तारीख को जो घिराव होने वाला है उसमें बल्कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि वो हर एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम उनकी सुविधा के लिए छोटे छोटे संस्थान, 1000 से ऊपर संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं, क्या कारण है हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। यही कुछ कारण है जिनको लेकर हम इनसे घिराव करने की हमारी। विक्रम जी, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमने ओपीएस लागू कर दिया और ओपीएस के जीपीएफ अकाउंट भी लगभग 1 लाख के करीब एम्प्लॉयज के खुल गए हैं और कुछ जो रिटायर हुए लोग उनको पुरानी पेंशन मिलनी भी शुरू होगी, एक गारंटी पे तो इन्होंने आते ही काम कर दिया है। मुख्यमंत्री बाकी गारंटी पे भी मैं काम करूंगा, अभी मेरे पास लंबा समय है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वित्तीय पोजीशन ठीक होगी, और उन्होंने जो सरकार की वित्तीय हालत है उसको खराब करने का पूरा ठेकरा आपके पूर्व जयराम मुख्यमंत्री जी थे उनके ऊपर लगाया है। उनका कहना कि 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा प्लस 10,000 करोड़ की लायबिलिटी छोड़ के गए जिनको अब हम दे रहे हैं, ऊपर से आपदा आ गई है, इन चीजों को उनका कहना है कि हमें समय लगेगा लेकिन हम सब कुछ करेंगे। जी विक्रम जी, देखिए जी ये क्या है, ये अपनी विश्वास खो चुके हैं। अगर किसी मुद्दे पे, वैसे तो इनकी ये मंशा ही नहीं है, जो इतना झूठ बोल चुके हैं, इतना झूठ बोल चुके हैं कि इनकी इनकी किसी बात का कोई विश्वास नहीं। और मुख्य ओपीएस अभी दिखने में कुछ नहीं है, अगर ये बात करते हैं, अगर ये ऐसी बात है तो स्पष्ट करें ना, ये जनता से छुपा के क्यों रखना चाहते हैं चीजों को, वो फाइलों में बंद है। पहले भी जो इनके वादे थे वो अभी भी जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है, ये केवल और केवल भ्रम है। 4 साल इनको क्या है कि इनको 4 साल निकालने हैं, ये किसी तरह से अंत समय तक ये आ जाएं और अपने 4 साल पूरे निकाल ले। लेकिन प्रदेश की जो जनता है इनकी नीति और नियति को भांप गई है। और जहां तक अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जितने जो जिस कर्जे में जो जयराम सरकार की अगर बात करें, जयराम सरकार ने जो इन जो केंद्र से जो कुछ वहां से राशि आई थी वो अगर पहले के मुख्य में आप उसकी तुलना करते हैं, अभी इस समय मुझे पूरे एग्जैक्ट आंकड़े ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे को इतना अच्छे से मैंने वो आंकड़े देखे हैं, मैं उस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो पिछली सरकार का जो लिया हुआ कर्जा था हमारी सरकार ने उससे बहुत ही कम उसमें आया है। और अगर आपदा नंबर दो, अगर आपदा की बात करते हैं, हमने वैश्विक बीमारी का, जो अगर पूर्व की जयराम सरकार की बात करें तो हमने वैश्विक बीमारी का जो है समय से निकले हैं हम, और सफलतापूर्वक हम वहां से निकल के आए हैं। जिस समय में ये आपदा, अगर आपदा की हम ये बात करें, जैसी आपदा अभी आई है, इस तरह की आपदाएं पहले भी प्रदेश में आती रही हैं। और अगर हम कोरोना की बात करें, जिस विकट कालखंड से हमारी सरकार जो निकल के आई है, वो सबके लिए हम उससे अनभिज्ञ थे, हमारे को पता नहीं था, हमारे को क्या पूरी विश्व को उसके बारे में अनभिज्ञ थे, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, उसके बारे में किसी को पता नहीं था क्या करना है, उसके बारे में ये नहीं मालूम था कैसे करना है, लेकिन हमने हाथ खड़े नहीं किए।
हम मैदान पे वो डटे तो रहे, एक हमारा विश्वव्यापी वो आपदा थी, और उसमें तो प्रोटोकॉल WHO द्वारा जो तैयार किए गए, केंद्र सरकार द्वारा किए गए, उन्हीं की अनुपालना करनी थी, और हुआ अच्छे से कोरोना को निपटा, इसमें कोई शक नहीं है कि जयराम ठाकुर की सरकार ने अच्छे से निपटा है, और आपदा को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अच्छे से निपटा है। धन की कमी आ रही है हमको और वो लगातार केंद्र से मांग कर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। चलिए मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, सुक्खू सरकार के 9 माह के शासन को लेकर अब भाजपा हल्ला बोलने जा रही है, और उसका आगाज विधानसभा के घेराव से होगा। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों की नींव भी इसी घेराव से रखी जाएगी, और घेराव को बड़ा रूप देने की कोशिश भाजपा कई दिनों से कर रही है। विफलताएं सरकार की गिना दी हैं, अभी विक्रम जी ने गिना दी हैं, और गारंटियां, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र तो सब करते थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी इस बार गारंटियां देके गई थी, 10 गारंटियां। उन 10 गारंटियों में एक गारंटी तो आपने पूरी कर दी, बाकियों पे शायद काम चल रहा होगा। अब कहीं ना कहीं गिरने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस वायदों को अगर हम सोचे कि हम चुनाव के लास्ट अगले 5 सालों में, लास्ट के सालों में पूरा करेंगे, तो जनता तब तक उकता जाएगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे लॉस भी हो सकता है। भाजपा इसको बड़ा मुद्दा इसलिए बना रही है। जी कौशल, डॉक्टर साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी का मूड है विधानसभा का घेराव करने का, इसमें कहीं कोई जनहित नहीं है। इसका मकसद जनहित में आंदोलन करना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी का जो मूड है, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए है। आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपदा का विषय हिमाचल प्रदेश में आया और इस आपदा से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उनसे निपटने में जिस तरीके की कार्यकुशलता के साथ सरकार ने और मुख्यमंत्री ने काम किया, जिसकी तारीफ विश्व बैंक ने और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने भी की, और कहीं ना कहीं आम जन में भी मुख्यमंत्री और सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसकी प्रशंसा हो रही, और भारतीय जनता पार्टी इस आपदा के मुद्दे के ऊपर जो रुख भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से रहा, जिस तरीके से एक नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी का रहा, सॉरी, और जिस प्रकार भाजपा और भाजपा के तमाम नेताओं ने मात्र इसमें केंद्र से धन मिला, केंद्र से मदद आई, इसका रोने का रोना रोने और इसका श्रेय लेने के अलावा कोई काम इस आपदा के दौरान प्रदेश हित में और जो आपदा से प्रभावित लोग थे उनके मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनको आपदा से बाहर निकालने के लिए नहीं किया। केंद्र सरकार से आज भी हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के लोगों को और सरकार को आपदा में राहत की दरकार है और इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेतृत्व जो है वो इनकी जो केंद्र की लीडरशिप है उसकी लाइन पे काम कर रहा है। अभी सरकार, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक संकल्प पत्र लेके आई जिसमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात की, तो उस संकल्प पत्र के विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ठगा सा महसूस कर रही है। ना उसका समर्थन कर पाए ना उसका विरोध कर पा रहे हैं। अगर समर्थन करते हैं तो इनकी जो लाइन है ये उससे बाहर जाते हैं, और अगर विरोध करते हैं तो एक तरह का विरोध ही है। जब आप समर्थन नहीं कर रहे हैं इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर, तो इसका मतलब आप विरोध ही कर रहे हैं। अगर आप खामोश हैं तो उस खामोशी का मतलब भी विरोध ही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। हिमाचल के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई है हिमाचल प्रदेश में। 40 सीटें विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने जीती है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई है, और आने वाले लोकसभा के चुनाव, मैंने जैसे कहा ये भाजपा का आंदोलन भाजपा को बचाने के लिए है, आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनसे भी भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है। हमारी गारंटियों की बात कर रहे हैं, हमने OPS लागू किया, महिलाओं की पेंशन की ये बात कर रहे हैं, हमने 2,31,000 महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपये प्रतिमाह देना शुरू किया है। लाहौल स्पीति जिला जो है उसको पूरी तरह से इस योजना में शामिल किया है। जो आर्थिक स्थिति प्रदेश की है उस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में विकास भी चाहिए, रोजगार भी देना है, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो वादा उनके उनके साथ किया है उसको भी पूरा करना है। हर दिशा में सरकार एक संतुलन स्थापित करके, और सबसे बड़ी चुनौती आज प्रदेश सरकार के सामने जो है
वो है आर्थिक तौर पर किस तरीके से जो स्थिति आज आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश के खजाने की है उससे किस प्रकार से प्रदेश को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से आर्थिक स्थिति जो है मजबूत की जाए ताकि सारी जो विकास की गति भी तेज हो सके। केंद्र सरकार से तो हिमाचल प्रदेश को कुछ मिल नहीं रहा, लोन लेने की जो लिमिट थी उसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद कम किया गया, उसके अलावा जो फॉरेन से जो फंडिंग होती थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए उसकी सीमा कम कर दी गई, तो केंद्र हर तरह से हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करने में लगा है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश के कल्याण के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों का सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए कार्य कर रही है। हमारी जो गारंटियां हैं वो कांग्रेस पार्टी उनके लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भी जैसे कि कहा है इनको फेस मैनर में हम पूरा करेंगे। महिलाओं के प्रति इन्होंने एक जिक्र किया कि महिला का मुंह काला करके घुमाया गया, FIR नहीं हुई, अपनी जानकारी को ठीक करें आप। पहली बार ये जो महिला वाला मसला है हमारे जिले का है, हमीरपुर का, और मेरे गृह क्षेत्र का है, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है। ये एक पारिवारिक मसला था और परिवार के अंदर ये सारा घटनाक्रम हुआ। जिस वक्त ये घटना पब्लिक डोमेन में आई उसी वक्त प्रशासन ने और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR की। 15 दिन बोलिए आप, बीच में ना बोले। और उसी वक्त पुलिस ने जो है वो FIR करके जिन लोगों के नाम नामित किए उस महिला ने उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ आज वो पुलिस के अंदर थाने के अंदर है, आज वो हिरासत में है। इसी तरह आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठाकुर जयराम के जितने बयान अब तक आए हैं मैंने देखे हैं, जब से ब्यास नदी के किनारे के जो क्रशर हैं उनको बंद करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है, तब से जयराम ठाकुर जी का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के क्रशर बंद कर दिए गए। अब जयराम आज आपकी पार्टी ने बहिष्कार किया सदन से, कह रहे ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही। भाजपा तो ठेकेदारों की लड़ाई लड़ रही है, भाजपा तो खनन माफिया की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़ रही है, और आपके नेता और आप कानून, आपको याद होगा शायद सोलन के अंदर एक इसकी कंट्री एंड टाउन प्लानिंग की अधिकारी महिला को किस तरीके से शर्म बाजार के अंदर गोलियों से भून दिया गया था, और आपके शासनकाल में हजारों FIR जिनमें रेप, मर्डर, मोलेस्टेशन और डकैती इस तरह के जो थे हजारों मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए एक हर शासनकाल में आपराधिक घटनाएं जो है वो होती हैं, लेकिन असली बात यह है कि आपराधिक घटना होने के बाद शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस ने जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की, उसको अंजाम दिया कि नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की गुंडागर्दी, खनन माफिया, नशा माफिया, आप ही के एक पार्षद गगड़ेड़ से उनके यहाँ से नशे की खेप पकड़ी गई, वहां से शराब की पेटियां पकड़ी गई, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं आप। खनन माफिया को पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में रहा, तो ये हमारी गारंटियों की छोड़िए, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अब बात आपकी गारंटियों की होगी जो लोकसभा चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के लोगों को दी थी। 12 आपने 2 करोड़ नौकरियां जो है हर वर्ष बेरोजगार लोगों को देने की बात की थी, और 2 करोड़ नौकरियां देते देते प्रधानमंत्री ने कौड़ा तलो योजना चला दी देश के अंदर। महंगाई कम करने की बात आप करते थे, 400 रुपए सिलेंडर था, सिलेंडर छाती के ऊपर लटका के घूमती थी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, चुनाव आए तो आपने 200 रुपए उसको सस्ता कर दिया। आज महिलाओं की चिंता आपको होने लगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पैनिक है भारतीय जनता पार्टी में, पूरे हिंदुस्तान में। ये जो महिला आरक्षण बिल अचानक से लेके आए हैं, एक स्पेशल सेशन बुला लिया इन चीजों के लिए, जो ये हिंदुस्तान के अंदर एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और तमाम जो सर्वेक्षण देश में आ रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ आ रहे हैं। इसलिए आनंद फानंद में और पैनिक में आज जो है भारतीय जनता पार्टी का ये हिमाचल का जो घेराव करने का जो कार्यक्रम है ये भी पैनिक में है, और ये जो महिला आरक्षण बिल लेके आया है जो अभी लागू ही नहीं होगा वो भी पैनिक है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है, और ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के सारे हथकंडे हैं। कांग्रेस सरकार जनहित में काम करने के लिए आई है, जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, जनता के विश्वास से सत्ता में आई है, और इस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी। जी जी, डॉक्टर चांदना जी जुड़े हैं हमारे साथ। चांदना जी, गारंटियां आपकी भी आम आदमी पार्टी से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सीख ली है कि गारंटियों के साथ चुनाव में उतरना है। हिमाचल में उतरे,
आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह गारंटियों को लेके जा रहे हैं। ये कर्नाटका में भी गारंटियां दी, लेकिन कर्नाटका में ना, एक कर्नाटका में इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एक बजट रख दिया गया उन गारंटियों के लिए। हिमाचल प्रदेश में अभी तक हम एक गारंटी की तरफ बढ़े हैं, दूसरी की तरफ 1500 रुपए की तरफ, जैसा कि प्रेम जी ने कहा, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे छोटा जिला जहाँ 1200 के करीब शायद महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ दिया गया अभी तक। तो आपको लगता है कि गारंटियां जो 10 गारंटियां प्रियंका गांधी जी ने लॉन्च की थी, उनको ये समय रहते जल्दी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे तो उनका लॉस क्या होगा सत्तारूढ़ पार्टी को? जी डॉक्टर चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इन 10 गारंटियों के सिर पे, मैं बल्कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव में हम लोग भी थे, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था और हमारा ही एक तरह से मैनिफेस्टो इन लोगों ने कॉपी किया था। और जी कांग्रेस ने बिना सोचे समझे कि हमारे स्टेट की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, बिना सोचे समझे इन गारंटियों को डिक्लेयर कर दिया और लोगों ने इन पे विश्वास करके इनको वोट भी दे दिया। सिर्फ एक ओपीएस को छोड़ के देखो, ओपीएस में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। जैसे भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, ओपीएस भी, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि 100% लागू हुई है, पर चलो मान लेते हैं कि ओपीएस इन्होंने लगा दी। उसके बाद अगली गारंटी आती है 1 लाख रोजगार पाएगा। रोजगार, मैं अपने कांग्रेस के भाई कौशल जी से पूछना चाहूंगा कि आज की डेट तक कितने रोजगार मुहैया कराए हैं कांग्रेस सरकार ने। और मैं थोड़ा सा पंजाब से भी तुलना करूंगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 1 साल की अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, 26,797 गवर्नमेंट जॉब्स पंजाब में 1 साल में दे दी गई थी और 14,000 लोगों को पक्का कर दिया गया था। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में रेवेन्यू की स्थिति सुधारने के लिए इंडस्ट्रियल समिट भी बुला चुकी है, जबकि हिमाचल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मैं पिछले 1 साल की आपको बात बता रहा हूँ, मतलब पंजाब के 1 साल। और टूरिज्म समिट भी अभी कुछ दिन पहले वहां हो चुका है। तो एक ये तो हो गई बेरोजगारी की बात। दूसरा, इन्होंने लिखा था 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। अब ये भी मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा। और आंकड़े ये कहते हैं कि 8.21 लाख जो है इस टाइम बेरोजगार रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और अगर हम आंकड़ों से हटके देखें तो करीब 15 लाख बेरोजगार है हमारे हिमाचल में। और बेरोजगारी की दर जो कल ये बयान आया है हमारे कर्नल साहब का कि 4% है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2022 जब जयराम जी सीएम थे तो हमारे प्रदेश की दर थी 13.9%। तो ये 13.9% से 4% पे कैसे आ गई, ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानकारी लेना चाहूंगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ, 300 यूनिट बिजली का इन्होंने वादा किया था कि फ्री बिजली देंगे। फ्री देना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने तो हमारे रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए कि एक एक उपभोक्ता को सिर्फ सब्सिडी मिलेगी, अगर उसके नाम पे 4 मीटर हैं तो एक ही मीटर पे सब्सिडी मिलेगी। और इंडस्ट्रियल की दरें भी इन्होंने बढ़ा दी है, इंडस्ट्रियल बिजली की दरें भी बढ़ा दी हैं और दूर दूर तक 300 यूनिट बिजली हमें कहीं नहीं नजर आ रही। अब दूसरी तरफ पंजाब में सिर्फ 4 महीने के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री थी कर दी गई थी और 87% हाउस होल्ड का अभी तक जीरो बिल आ रहा है वहां पे। अब 1.5 साल हो चुका है वहां की सरकार को। अच्छा, बागवानों और किसानों के लिए भी जो इन्होंने गारंटियां दी थी अभी तक कोई ठोस नहीं थी, ये लोग नहीं ला पाए हैं। और दूसरी तरफ पंजाब में इन्होंने मूंग दाल का एमएसपी फिक्स कर दिया है, पैडी प्रमोशन कर रहे हैं, पराली के लिए नहीं, भी इन लोगों ने कोई फ्रांस की कंपनी के साथ टाई अप ठीक है, किया है। पंजाब पंजाब आ गया, लेकिन जानना चाहिए सवाल ये है कि पंजाब में भी आपने 1,000 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा की थी, आप भी नहीं दे पाए वहां पे पंजाब में नहीं सर, देखो इसको? अभी मैं और यहाँ जो 1500 अचीवमेंट्स है यहाँ पे ना, इन्होंने बढ़ा दिया मैं आपको, देखो, है मैं ना? तो 10 महीने हमारी कांग्रेस सरकार और 10 महीने ही हमारी पंजाब सरकार, मैं उनके तुलना कर रहा हूँ जो गारंटी है कि जैसे हम लेके सत्ता में आए, जैसे यहाँ कांग्रेस आई तो आम आदमी आई, तो मैं 1 साल की अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उत्कर्ष शिक्षा, हर विधानसभा में खुलेगा अंग्रेजी स्कूल। भाई साहब, यहाँ तो आपने स्कूल बंद ही कर जी दिए, जी और अभी आपने ऐसे ऐसे स्कूल जी बंद कर दिए जहां 5 बच्चे पढ़ते थे। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्चा बेचारा पढ़ने कहाँ जाएगा। अगर उस, देखो, हिमाचल का कोई ज्योग्राफी इतनी शानदार नहीं है कि आपने एक स्कूल से बच्चे को निकाल दिया तो दूसरा बच्चा कोई दूसरा स्कूल को 2 किलोमीटर के दूर पे हो, तो वो 5 बच्चे भी इस टाइम कहाँ पढ़ रहे हैं कि आपने मुड़ के देखने की कोशिश की है? अगर 5 बच्चों का भी स्कूल था तो आप बातें करते थे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे, तो ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया है। अब लिखा है जी आपने हॉस्पिटल वाली गाड़ी आएगी हर घर, तो मोबाइल वैन, अभी तक तो मोबाइल वैन, मोबाइल तो वो भी की, मैं देख मोबाइल रहा की हूँ। नियम की बात की थी जी। हाँ, तो वो भी मैं अभी तक कुछ नहीं देख रहा हूँ।
और दूसरी तरफ देखो मैं आम आदमी का सिपाही हूं तो वो पंजाब की बात तो करनी पड़ेगी, 500 मोहल्ला क्लिनिक्स एक साल के अंदर खुल चुके हैं, खुल चुके थे, और 12 से 15 लाख लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य लाभ हम पंजाब की गवर्नमेंट एक साल में दे चुकी थी। अब आते हैं हम 1500 रुपए महिला, देखो हम, मैं ये मानता हूं कि पंजाब में भी हम लोग अभी तक नहीं दे पाए, पर यहाँ भी कुछ नहीं है। देखो ये लाहौल स्पीति में जो बोल रहे हैं 1200 महिलाओं को शुरू किया, पर गारंटी में तो उन्होंने कहा था हम पहले कैबिनेट में लागू कर दें। देखो गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं थे, पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह की गारंटियां दे दी। अच्छा दूध, 10 लीटर दूध की बात है, वो तो किसी भी कैबिनेट में अभी तक सामने भी नहीं आई। अच्छा गोबर खरीद के बारे में भी कोई चर्चा अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा अब आते हैं हम रोजगारी पे, रोजगार में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी तक बहाल नहीं हो पाया, और इन्होंने जो एक राज्य चयन होगा कल मुख्यमंत्री जी ने बोला 2 माह के अंदर अंदर वो अपना कार्य शुरू कर देगा। सर 3500 बच्चों की नौकरियां तो अभी तक अधर में है ना सर, जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, 3500 बच्चे, और इस टाइम हालत ये हो रही है कि हमारे प्रदेश के बच्चे सुसाइड करने की उस पे आ रहे हैं। ये चीज मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा। जी जी प्रेम जी, जी प्रेम जी गिराव भी किया है बच्चों ने अभी, और आत्मदाह का मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह करेंगे क्योंकि हमारे रिजल्ट नहीं है, हमारा भविष्य अधर में लटका है, और अभी भी 2 माह लगेंगे राजा चैनियों को करने में। जी प्रेम जी, वो 3500 बच्चे तो सर अधर में ही लटके हुए हैं ना अभी तक। और दूसरा अब मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, प्रेम जी से सवाल का उत्तर ले लेते हैं पहले। डॉक्टर पथरिया जी, ये जो इन्होंने चयन आयोग की बात की, ये सब जानते हैं इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन था ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, यहाँ दलाली होती थी नौकरियों की, और जो उसका भंडाफोड़ हो गया, अब ना उसका तो भंडाफोड़ हो गया, जो पढ़ाई करके मेहनत करके बच्चे नौकरी प्राप्त करने में यहाँ वंचित रह रहे थे, और जैसे ही ये सारा पर्दाफाश हुआ, विजिलेंस ने इंक्वायरी की तो वहां पाया गया कि कोई बहुत सारे जो ऐसे पेपर इस सर्विस कमीशन के माध्यम से हुए थे उनमें धांधली हुई है, पेपर बेचे गए हैं, पेपर लीक हुए हैं। तो ये 3500 बच्चों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सरकार उन्हीं के भविष्य के लिए काम कर रही है कि आने वाले समय में फुल प्रूफ सिस्टम हो जिसमें पेपर लीक होने की, पेपर बेचने की इस तरह की कोई गुंजाइश ना हो, ताकि जो बच्चे गरीब घरों के बच्चे हैं जो पैसों से नौकरियां खरीद नहीं सकते, ऐसे बच्चों को नौकरियां मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है जिसको नौजवान हिमाचल प्रदेश के भुगत रहे हैं, अन्यथा अब तक काफी लोगों को, ये तो रिजल्ट जो रुके हैं, ये रिजल्ट तो निकले ही होते, बहुत सारे हजारों बच्चों को जो है, नए लोगों को भी रोजगार मिला होता है। ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सृजन इस सर्विस कमीशन के थ्रू एक सरकार की गर्दन के नीचे लगातार इतने पेपरों पेपर लीक हो, इतने पेपर बेचे जाए, सरकार के कानों कान खबर ना हो, और भारतीय जनता पार्टी तो नौकरियां बेचने में पूरी तरह से जो है महारत है इस पार्टी की। पुलिस भर्ती ले लीजिए, और पहले जब ये कमीशन जब गठित हुआ था उस समय इसमें दुनिया भर में नौकरियां बेची गई, और उसी के परिणाम स्वरूप SN कटवाल जो पहले इसके संस्थापक चेयरमैन थे। ये लोग जब भी बात रोजगार की होती है तो कर्मचारी चयन आयोग के बहाने, चाहे वो धूमल जी की सरकार थी किसी समय में, चाहे वो जयराम जी की पिछली सरकार थी, आरोप आप पे लगते आए हैं कि सारा वहां पे भ्रष्टाचार का अड्डा आपके कार्यकाल में बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, शिकायतें भी हुई कार्रवाई नहीं हुई, और सुक्कू जी शेरे ले चुके हैं इसमें। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 5 लाख रोजगार देने हैं गारंटी के तहत, हर साल 1 लाख रोजगार, क्या ये सरकारी क्षेत्र में आपको संभव लगते, जैसे कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस साल हम 10,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे देंगे, तो ये बहुत बड़ा वायदा है, बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है, तो क्योंकि 3 लाख के आसपास तो हमारा सरकारी टोटल दायरा है। जी विक्रम जी, आपको लगता है कि ये वायदा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं कर गई कांग्रेस पार्टी? सर देखिए क्या है इसमें, डॉक्टर साहब बोलने में कुछ नहीं जाता, इन्होंने करना कुछ नहीं है, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, फिर लोकसभा आ गई फिर बोल दीजिए, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा, ये कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, काबिलियत की तो इनकी है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हिमाचल की जनता को एक बार ठग गई है, भोले हैं हम लोग, मूर्ख नहीं है, आप देख लीजिएगा ये सब सामने आने वाला है, ये सिर्फ इनके वादे हैं, और अब हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इसे पूरी तरह से समझ गई है
कि ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही काम आता है, वो है ठगबाजी, वो है मतलब झूठ बोलना। और ये देख लीजिएगा आने वाले लोकसभा चुनावों में ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि ये जो बात कर रहे हैं 40% बहुमत, और ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई है, वो रोज रोज नहीं चढ़ेगी। हिमाचल के लोग, मैंने कहा, भोले हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। चारों की चारों सीटें हम बहुत बहुत बड़े मार्जिन से, और जिसको इन्होंने कहा प्रचंड बहुमत से हम जीत के आएंगे। हिमाचल की जनता जो है पूरी तरह से मन बना चुकी है, इतने लगभग एक साल के ही शासन में पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, उसके यहाँ गले में ला दी है इन्होंने। बच्चे अगर आत्मदाह की बात करने लगे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे छोटी बात नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। और ये पूरा सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी कुछ करने की मंशा ही नहीं है, ना नियत है ना नियति है। कुछ पिछला रिकॉर्ड भी आप कोई सा भी उठा के देखिए, इनकी नियत और नियति नहीं है। इनको बस दूसरे पे दोषारोपण करना है और कुछ भी बोल दीजिए, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, बोल दीजिए, बोल के आ रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए, यही है। जनता समझ चुकी है, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और लोकसभा चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तो पैमाना रहेगा, सरकार के कामकाज का पैमाना रहेगा, परीक्षा होगी सरकार की, जाहिर है। तो प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये ठग बोल रहे हैं हमारे को, सबसे बड़ी जयराम जी ने महाठग बोला है, जयराम ठाकुर जी ने तो दो दिन पहले लगातार महाठग बोल रहे हैं सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, महाठग पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई है, महाझूठी पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने बहुत बड़े बड़े झूठ देश के लोगों के साथ बोले हैं। और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग भोले हैं, मूर्ख नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों को बेवकूफ मत समझिए। एक बार बना लिए आप लोगों ने अलग अलग तरह के प्रलोभन देखे, कोई काले धन का, कोई नौकरियों का, महंगाई करने का, हर कुछ करने का बना लिया। लेकिन देश के लोग कल मुख्यमंत्री जी ने 10,000 नौकरियां देने का वादा किया है विधानसभा में कि 31 मार्च तक हम 10,000 नौकरियां देंगे। तो डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1 अप्रैल को हम फिर मिलें एक बार इस बारे में कि हमारी कांग्रेस सरकार ने कितनी नौकरियां धरातल पे दी। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सुक्कू सरकार के शासन पर अब भाजपा बड़े सवाल उठाने जा रही है, 25 तारीख को बड़ा घेराव करेगी और लोकसभा चुनावों के का आगाज करेगी। और जो सुक्कू सरकार की 10 गारंटियां हैं उसमें कितनी पूरी हुई, कहां पे क्या है, उनको गांव-गांव, विधानसभा क्षेत्र और एक एक कस्बे में लेके जाया जाएगा। और पार्टी या संगठन, क्योंकि संगठन के माहिर डॉक्टर राजीव बिंदल जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी रूपरेखा तैयार कर दी है। और जाहिर है जवाब, जब कांग्रेस के लोग भी जाएंगे, जनता जवाब मांगेगी और इस सारे शासनकाल की परीक्षा लोकसभा चुनावों में होगी, जो कि अब कुछ ही माह बाद लोकसभा चुनाव अगले साल के शुरुआत में हो जाएंगे। तो आज हमने इसी विषय में चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।